Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. एक घंटे बाद बुरहान की सर्जरी मुकम्मल होने पर जब उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया तो डॉक्टर दानियाल और डॉक्टर महनाज मिस्टर एंड मिसेस ताहिर से मिलने के लिए आए। मिस्टर ताहिर अब भी नाराज़ थे, लेकिन डॉक्टर दानियाल के इसरार करने पर वो दोनों उनसे बात करने के लिए कंसल्टेशन रूम में आ गए और जिब्रान को कुछ देर के लिए नर्सरी में बिठा दिया। डॉक्टर दानियाल ने उन दोनों से माजरत करते हुए कहा, मिस्टर एंड मिसेस ताहिर, मैं अपने रवैये के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे मुकम्मल तफ्तीश किए बिना यूँ आप दोनों पर शक नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि आपका कोई कसूर नहीं है। यू डिड नॉट अब्यूज़ योर फैमिली मिस्टर ताहिर, मगर यूँ सच पर पर्दा डाल देना, आँखें बंद कर लेना, यह आप दोनों की सबसे बड़ी गलती होगी। इस ताकीद पर ताहिर ने कन्फ्यूज़ होकर पूछा, मैं आपकी बात समझा नहीं। डॉक्टर दानियाल ने बहुत तहम्मुल के साथ उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं आपके बेटे जिब्रान की बात कर रहा हूँ। ताहिर ने साफ इनकार करते हुए कहा, यह आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर दानियाल, ये सरासर झूठ है। आप मेरे बेटे पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप मेरी बात ज़रा ठंडे दिमाग से सोचें। हमें आपकी फ़ैमिली की फ़िक्र है मिस्टर ताहिर। बुरहान अभी बहुत छोटा है। जिब्रान किसी भी वक्त खुद को या आप लोगों को नुकसान पहुँचा सकता है और शायद पहुँचा भी रहा है। ये मामला बहुत संगीन और पेचीदा है मिस्टर ताहिर। इस पर नादिया ने कहा, देखिए आप अभी अभी जिब्रान से मिले हैं और आप उसे फौरन इस तरह कैसे जज कर सकते हैं। डॉक्टर दानियाल ने उन्हें यकीन दिलाते हुए कहा, ये सिर्फ मेरा अंदाज़ा है मिसेस ताहिर, इट्स ओनली माय मेडिकल ओपिनियन। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा शक गलत साबित हो, लेकिन इसके लिए हमें जिब्रान की जहनी सेहत का मुकम्मल मुआयना करवाना होगा। इस पर नादिया ने अपने आंसू रोकते हुए कहा, डॉक्टर दानियाल आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, जिब्रान कोई जहनी मरीज थोड़ी है, वो तो मेरा मासूम सा बच्चा है। डॉक्टर दानियाल ने उन्हें हिम्मत दिलाते हुए कहा, मिसेस ताहिर मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ, जिब्रान अभी छोटा है और ये तो और भी अच्छी बात है। उसका जहन अभी कच्चा है, हिज ब्रेन इज स्टिल डिवेलपिंग, बर वक्त काउंसलिंग और थेरेपी से हम उसकी मदद कर सकते हैं। इस जुमले पर मिस्टर ताहिर ने गुस्से से खड़े होते हुए कहा, बस बहुत हो गया, मैं अब एक मिनट भी और इस बकवास को बर्दाश्त नहीं करूंगा। नादिया चलो उठो यहाँ से। दोनों डॉक्टर्स ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नादिया और ताहिर ने उनकी एक ना सुनी। जब वो दोनों कंसल्टेशन रूम से बाहर आए तो देखा कि जिब्रान नर्सरी में नहीं है। अचानक उन्हें बुरहान के कमरे से कोड ब्लू के सायरन बजने की आवाज़ आई और वो सब फौरन कमरे की तरफ भागे। कहानी ने आगे क्या मोड़ लिया, ये जानने के लिए इंतज़ार कीजिए अगले हिस्से का।